हरे कृष्ण। सर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा भगवान का दास है, और जब भगवान के गुणों को सुनेगा तभी वो इस दुनिया में सुखी रह सकता है। तो भगवान के गुण बता रहे हैं, ये बहुत ही तत्व, इस तत्व जानना बहुत जरूरी है। भगवान को तत्व से जान लेने से फिर उसके जीवन में कष्ट नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी बार बार बोले, सुनिए समझिए, क्योंकि अगर भगवान के तत्व को जान जाएंगे कि वो अद्वय है, तो फिर हमारे जीवन से कष्ट बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान के छह गुण बता रहे हैं, वो सर्व आदि है, सर्व अंशी है, किशोर शेखर है, चिदानंद देह है उनका, सर्व आश्रय है और सर्व ईश्वर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए भगवान की महानता को। बाकी जो रिलीजन है प्रभुपाद बोलते हैं, उनमें बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, बट ये नहीं समझाया जाता कि गॉड ग्रेट कैसे है। ठीक है, भगवान ग्रेट है, लेकिन कैसे है? लेकिन आज प्रभुपाद जी कृपा से हम लोग को बताया जाता भगवान कैसे ग्रेट है। तो कल एक स्टूडेंट का SMS आया, तो पूछे थे, प्रभु जी आपसे बात करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं क्या? नाम तो नहीं लिखा था उसको कुछ, लेकिन उसने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, पास आउट, और 4 साल पहले वो पास आउट हो चुके हैं। बोला उसने दूसरे भक्तों से कंसल्ट किया, अपने मित्रों से, बोला प्रभु से बात की जा सकती है क्या? तो उसने मेरा नंबर लिया और फोन किया, क्योंकि तो उसने बताया, तो बताने लगा, प्रभु जी 4 साल पहले 2016-17 में से मिला था, उत्कर्ष सर सब कैंप में आया था वो, लेकिन वॉइस में नहीं रह पाता था। तो एक दिन मेरे पास वो आया था, शायद वो थर्ड ईयर में था या फोर्थ ईयर में था, काफी परेशान था। बोला प्रभु जी मेरे को आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मैं इसका भी हेड हूँ, ये सोसाइटी का भी हेड हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ का, ये हूँ वो हूँ, मैंने कॉलेज में बहुत सारी जिम्मेदारी ले रखी है, सब टीचर भी मेरे को जानते हैं, प्रभु मेधावी छात्र था, लेकिन सब कुछ होने मेरे को। तो देखिए, इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो आप अंदर से कितना भी जोर से चिल्लाए, लेकिन बाहर रूप से इतने लोग इतने जोर से चिल्ला सकते हैं, आपसे भी ज्यादा, कि आप निराश हो जाएंगे। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो पूरा प्रयास अंदर से लगा रहा था अपना, समझ रहे हैं? कॉलेज में खुश होने का पूरा मेहनत कर रहा था, इसका सेक्रेटरी बन गया, उसका हेड बन गया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन बाहरी वर्षा इतनी जोर से हो रही थी उसके जीवन में, फिर भी लोग फीडबैक दिए जा रहे थे, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं थे, तो उसका पूरा उत्साह निरुत्साहित हो गया, समझ रहे? तो मेरे पास आया, तो मैंने बोला देखो, बस सुना, बोला देखो हमने बताया उसको कि जैसे आप इतने लोग को दे रहे हैं ज्ञान, तो आपको भी कुछ एनर्जी चाहिए ना, आप इतने लोग को मदद करना चाह रहे हैं, तो कोई आदमी दूसरों को मदद कर रहा तो उसको भी शेल्टर चाहिए, जैसे हमने माइक का शेल्टर लिया, समझ रहे? बहुत सारे लोग को बताना है, दूर दूर तक आवाज पहुंचानी है, हमारा तो लिमिटेशन है, समझ रहे? आपका भी लिमिटेशन है, प्लस बाहरी लोग भी बहुत, तो हेड है तो कोई 200 गाली भी देगा, ऐसा कैसे कर रहा है तू, मैं कैसे तो कर रहा है। तो बोलने लगा, प्रभु जी मैं उस तकलीफ में जब था, तो आपने मेरे को जो गाइडेंस दिया, मेरे को 5 साल में उसके कारण मेरा जीवन चलता रहा। मतलब मैंने क्या बोला था तो बता रहा था कि आपने बताया था कि कैसे तुम केवल दूसरों को मदद कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुमको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए ना,
तो हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, हम लोग को सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो मैंने उसमें उसमें बताया था कि वी नीड सोर्स ऑफ एनर्जी इफ यू वांट टू सर्व, हमें अगर दूसरों की सेवा करनी है, कुछ कुछ भी करना है दुनिया में, तो आपको क्या चाहिए? कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे माइक अभी सोर्स का एनर्जी हो गया, तो वैसे हमें क्या चाहिए जीवन में? सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। बोला मैं बोला वो सोर्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर नहीं, आपको बाहर से लाना पड़े। तो मैं बोला भगवान का नाम कीजिए तो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब। तो बोला तब से बोझी मैं रोज एक माला किया, चाहे जीवन में कुछ भी हो, आपने बोला तब मैं रोज एक माला सोते समय जितना भी मतलब। बोझी मैं जीवन बड़ा कष्ट आया, वो कंपनी में काम करते थे शिफ्ट कर करके अभी वो 15 लाख 10-15 लाख का पैकेज कमा रहे हैं, बहुत अच्छे कंपनी में है। उनके पिताजी क्या हो गए, उनको ऑपरेशन होने वाला था, तो उनको घर में गए तो रोज बोल रहे थे मेरे को, रोज सुबह से लेकर रात को 1 बजे तक मेरे को सेवा रहती। सुबह उठता था 5 बजे के आसपास और सुबह से लेकर उसको ऑपरेशन करवाना, जॉब करना है। तो बताया था कि कुछ मेरा इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो गया, जॉब भी करा था, बिजनेस भी खोल लिया, और साथ साथ उसने अपना पापा का भी केयर लेना था। तो उसने बैंगलोर बुलाया था पिताजी को, तो उनका ख्याल कर तो बेचारा इतना कुछ करते करते पागल हो जा रहा है, तो जान निकल जा रहा है। तो बोला बोझी इतना तकलीफ होता है, मैं समझ में क्या करूँगा, रात को रेस्ट नहीं हो रहा था मैं। करीब उससे बहुत मेहनत तक अपने पिताजी का ख्याल रखा। बोला बोझी लेकिन रोज रात को सोते समय क्या करता था, मेरे को याद आता है कि मेरे पास सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे को कहीं से लेना पड़ेगा। तो मैं एक माला करता था, मेरे को बड़ा एनर्जी मिल जाता, समझ रहे? उसके कारण मेरा 4-5 साल निकल गया। टीपू जी अब नया कंफ्यूजन आ रहा है। अब क्या आ रहा है, मैं 2-3 भक्तों से बात के लिए सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ, तो हम सोचे कोई जी आपसे बात हो सकती, तो फिर आपका नंबर मिला। तो देखिए इसीलिए भगवान का एक नाम है सर्व आश्रय, क्योंकि जीवन में इतनी समस्याएं आएंगी, उलझन आएंगी, मतलब अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो किसी प्रकार से पार कर जाएंगे समस्याओं। इसलिए भगवान का एक गुण बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, सर्व आश्रय। तो इसीलिए भक्तों के लिए जरूरी है कि भगवान का क्या ले, वो आश्रय ले। कितनी भी तकलीफ आए आपके जीवन में, आप अगर भगवान का आश्रय लेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। वो तो उतना बड़ा भक्त नहीं है, एक माला उसको तो पूरा फिलोसफी भी नहीं अंडरस्टैंड, लेकिन एक माला लिया उसके कारण उसको इतनी एनर्जी मिल रही थी कि बेचारा वो दुविधाओं को पार करते हुए मतलब पिताजी का ऑपरेशन सब सही कर लिया, मतलब सब ठीक हो गया। इस प्रकार से भगवान कलयुग में अपने आप को विस्तारित करते अपने नामों के रूप में, तो इसीलिए बोला गया है नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सर्व शक्ति अपने नामों में डाल दी है। इसीलिए अगर ध्यान पूर्वक नाम किया जाए, तत्रार्पित नियमित स्मरणे नका, भगवान ने नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व, भगवान के अनेक अनेक नाम, कृष्ण राम हरि गोविंद मुकुंद मुरारी, अनेक अनेक भगवान के नाम है, और इन नामों में भगवान ने अपनी सर्व शक्ति डाल दी। और गुरु कृपा के द्वारा अगर वो मिले और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है वो मन। तो बाद हमें महामंत्र दे दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, इसमें इतना बल है। भक्ति ठाकुर बोलते हैं कृष्ण नाम धोरे को तो बोल, भगवान के नामों कितनी शक्ति, बहुत शक्तिशाली है भगवान का नाम, समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है नाम, चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो भगवान का प्रथम आस्वादन इस दुनिया में हमें कैसे होगा, नाम के थ्रू होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान पूर्वक नाम लें।
भगवान का ध्यान पूर्वक नाम लेंगे तो भगवान का आश्रय आपको उसकी अनुभूति होगी, आपको लगेगा हाँ भगवान मेरी मदद। अरे भगवान का अगर आप इन ऑफेंसिव नाम लेंगे, 10 अपराध मुक्त नाम लेने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम रोज 10 अपराध की उच्चारण करते हैं कि इन अपराधों से बचना है। और सबसे बड़ा अपराध है टू बी इन अटेंटिव एंड चैंटिंग, उसे आपका बाकी अपराध चालू हो जाते। इसलिए जब मैं बहुत प्रयास करना चाहिए कि मैं ध्यान पूर्वक अपने मन को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण में लाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार से प्रयास कीजिए कि भगवान के नामों में मन लगा सके, तो भगवान के नामों की शक्ति के कारण आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे वो स्टूडेंट जो था, 4 साल से मैंने तो उसको मिला भी नहीं कुछ बात, लेकिन एक स्टेटमेंट भगवान की कितनी महिमा को देखिए, उसने भगवान के नामों का आश्रय लिया, उतना ज्ञान नहीं भी था फिर भी बस उसने प्रयास किया तो सभी उलझनों से ऊपर उठा। इसलिए हम लोग भी अगर भगवान का नाम लेंगे तो कितना, हम 16 माला लेंगे तो प्रभुपाद के द्वारा बोला हुआ, तो कितना फायदा। हरे नाम प्रभु की।